बुंदेलखंड में लंपी वायरस की दस्तक से हड़कंप है। गौवंश में फैल रही बीमारी के आवे की खबर जैसे ही फैली सो हर को चिंता में है। ई के बाद आनंद फानंद में पशुपालन विभाग की टीम टीकाकरण अभियान में जुट गई है। जिलाधिकारी ने गांव को निरीक्षण करे है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में कहर मचावे के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होत भय लंपी वायरस के लक्षण अब महोबा जिला की गायों में भी देखने को मिले हैं। जिले के चरखारी तहसील के सुपा गांव में ग्रामीणों ने सूचना दी के उते गौवंश में लंपी वायरस जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद महोबा जिलाधिकारी मनोज कुमार ने सुपा मंडी में वायरस से ग्रसित गायों की स्थिति को जायजा लो। उनने पशु चिकित्सा अधिकारी को आदेशित करत भय अभियान चला के हर गांव में गायों को टीकाकरण करावे के संग ही 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर दवा को छिड़काव करावे के भी निर्देश दिए। इसके संग ही गांव में डुग्गी पिटवा के लंपी वायरस के बारे में ग्रामीणों को सूचित करने के निर्देश दिए कि अगर कोनो भी गाँव में या को के घर में लंपी वायरस रोग से ग्रसित गाय पाई जात तो तुरंत प्रशासन को सूचना दी जाए, जिसे इन गायों को सुरक्षित जोन में रख के बाकी गायों को ई रोग से बचाव जा सके। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और शासन का जो शासनादेश है और जो आदेश है उसके क्रम में जितने भी झांसी से लगे हुए बॉर्डर थे उन सभी में एक अभियान चल रहा था लंपी डिसीज को ना फैल जाए उसको रोकने के संबंध में, और 30,000 टीकाकरण किया गया था। उसी दरमियान जो है कल शाम को ये पता चलता है कि सुपा में एक गाय है जिसको शिफ्ट किया गया मंडी में एक सेपरेट जोन बना के, क्योंकि और उसके साथ में जो पूरे गांव में है 450 टीकाकरण किया जा चुका है, लगभग 1600 गाय और शेष हैं। आज शाम को 4 बजे लौटेंगी, 4 बजे के बाद ये अभियान चला के लगभग 7 बजे तक पूरे गाँव में टीकाकरण और जो भी अगर कोई एक आध डिसीज है उसमें लंपी की ओर पाई जाती तो उसको भी जो है मंडी में शिफ्ट किया जाएगा। सर, जो जिले में गौशालाएं हैं उनको लेकर भी कुछ निर्देश? गौशालाओं के संबंध में सारी कार्रवाई हमारी चल रही है, सभी का टीकाकरण उनका चल रहा है जो हमारी सीमा पर थी, और उन्हीं गौशालाओं के सर्वे के लिए पुनः जो है 36 अधिकारियों की टीम रवाना की जा रही है जो उस गौशालाओं को देखकर रिपोर्ट देंगे। जिलाधिकारी को क्या वो है कि जिले में अब तक 30,000 गायों को टीकाकरण करे जा चुके हैं, शेष गौवंश को भी टीकाकरण हो रहा, लेकिन जी तरीके से लंपी वायरस की आहट आई है उसे हर को परेशान है। महोबा से भरत त्रिपाठी, बुंदेली पोछार खिलाने। बुंदेलखंडी व्यंजनों को पारंपरिक तरीके से परोसने का अद्भुत प्रयास गौ कृपा बुंदेली भोजनालय कलेव से बिहारी तक, पता NH 44 टेकरी पॉलिटेक्निक के समीप हाईवे तालबेह जिला ललितपुर, फोन नंबर 7897809210।